सर, सबसे पहले आम जनता का एक सवाल होता है कि उनको एक ही चीज पता होती है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये दूसरी पार्टी है, संगठन क्या है? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर बन पाई है तो उसके पीछे उसके संगठन की ताकत है। जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 2017 में बम्पर जीत उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड का दायित्व भी आपके पास है, बम्पर जीत हुई, 57 सीटें, अभी तक कभी नहीं हुआ, 2022 में चमत्कार देखने को मिलेगा? यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जी, कि आज अब भारतीय जनता पार्टी इस मूड पर है कि जिन बातों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर ये पार्टी बनी जी, भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी, उन लक्ष्यों को हमने प्राप्त करना है। तो सर, आपके आप कहते हो कि कार्यकर्ताओं ने काम किया, सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के महामंत्री सुरेश भट्ट जी। सुरेश भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत। सर, आप कैसे हैं पहले तो ये बताएं। ठीक, कोविड टाइम पे सब सुरक्षित, सब कुछ ठीक? सब प्रभु की कृपा है। वैक्सीन वगैरह सब प्रॉपर हो गई? सब वैक्सीन हो गया जी। सर, सबसे पहले आम जनता का एक सवाल होता है कि उनको एक ही चीज पता होती है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये दूसरी पार्टी है, संगठन क्या है? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर बन पाई है तो उसके पीछे उसकी संगठन की ताकत है जी। संगठन की ताकत यानी कार्यकर्ता। हम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर जी, कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हम इसको कहते हैं। और चूंकि एक कैडर और विचार को लेकर के चलने वाला कैडर, ये रातों रात नहीं बनता है जी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं मानता हूँ कि 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी और 1980 से पहले भारतीय जनसंघ, इनमें काम करने वाले हमारे तीन पीढ़ी के पुराने कार्यकर्ताओं ने बहुत अथक परिश्रम किया जी। और उस अथक परिश्रम का परिणाम आज ये है कि आज केंद्र में और अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और निचले स्तर तक बूथ पर निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रेणी है, लंबी टोली है, जो इनके दिमाग में केवल भारतीय जनता पार्टी का विचार, वो भी विचार राष्ट्रवाद का विचार, वो एक तरह से उसके लिए ही वो लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की। सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 2017 में बम्पर जीत उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड का दायित्व भी आपके पास है, बम्पर जीत हुई, 57 सीटें, अभी तक कभी नहीं हुआ, 2022 में चमत्कार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये ताकत है, जो नहीं हुआ अभी तक उसको करके दिखाना, ये हमारी ताकत है। इसलिए जो उत्तराखंड में ये चलता आता है कि भाई एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत के बल पर और केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे जनता तक पहुंचाकर फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड का ये मिथक तोड़ेंगे कि भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती जी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज अब भारतीय जनता पार्टी इस मूड पर है कि जिन बातों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर ये पार्टी बनी थी जी, भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी, उन लक्ष्यों को हमने प्राप्त करना है। यानी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़े हैं जी, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है जी। अगर वो बहुत कुछ प्राप्त करना है हमने,
तो हमारा मानना यह है कि केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक बार दूसरे दल की सरकार से काम नहीं चलेगा जी। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हमको लाना पड़ेगा, तब हम उस सपनों को हम साकार कर पाएंगे। और उस सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कृतसंकल्पित है। पर सर, अब हमने ये देखा है कि 2017 में मोदी जी की तस्वीर के ऊपर ही वोट मिले, मोदी जी का ही चेहरा था जिस पे वोट मिले। आज स्थिति ये होनी चाहिए कि अब जो नेताओं ने काम किया, जो वहाँ की पार्टी ने काम किया, उनके चेहरे पे वोट मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो क्या ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल निश्चित। वैसे तो मोदी जी कोई बाहर के नहीं है जी, मोदी जी का चेहरा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है जो देश और नहीं दुनिया में लोकप्रिय है जी, मजबूत है, जिनकी लोकप्रियता का लोहा सब मानते, ऐसे नेता हमारे पास हैं, हम उसके लिए सौभाग्यशाली हैं। लेकिन प्रदेश में पिछले लगभग 4.5 साल की सरकार ये हो गई, प्रदेश सरकार के कामकाज और प्रदेश सरकार के हमारा नेतृत्व, उसने अनेक प्रकार के जो हमारे काम किए हैं उनके आधार पर और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर मैं कह सकता हूँ फिर से हम। तो सर, आप कहते हो कि कार्यकर्ताओं ने काम किया, सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? 4 साल मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यकाल। इसको स्पष्ट तो खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्पष्ट कर दिया था, उसमें मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रावत जी ने वो उनके हमने उनको भी इंटरव्यू किया, वो भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थे कि श्रेष्ठ का निर्णय है, वो भी मतलब उसमें क्लियर नहीं थे। तो आज तक सवाल ये उत्तराखंड के अंदर घूम रहा है कि क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों, जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तो परिवर्तन क्यों? ये भारतीय जनता कहीं ना कहीं पे मतलब मैं सॉरी आपकी बात, कहीं ना कहीं पे आपको कहीं लगता है कि ऐसा है कि नीचे कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, संगठन की नाराजगी थी? क्योंकि ऐसा है कि आज प्रदेश में जब मुख्यमंत्री तय होता है तो वो प्रदेश का हो जाता है, वो पार्टी का बाद में, वो प्रदेश की जनता का पहले है। अब उनको जब रिजल्ट देने का टाइम था तो उनको बदल दिया गया। आज सवाल किससे पूछें? नए वालों को बोलते हैं कि अब कार्यकाल बड़ा अभी छोटा है, 2 महीने ही हुए हैं, वो भी कोरोना काल में उनके 2 महीने निकल गए, अब सवाल किससे पूछें? सवाल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुल मिलाकर के उत्तर जनता ने देना है। तो इसलिए इस बात का कि वो क्यों बदले, इसका जवाब बखूबी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसके बाद अपने स्टेटमेंट में दिया था, क्योंकि भी पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए, इसके नाते उन्होंने उसको विस्तार से उस बात कही है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी ये सौभाग्यशाली पार्टी है कि यहाँ एक नहीं अनेक नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर जो दायित्व दिया जाता है उसको एक तरह से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी योग्यता के साथ निभाते हैं और उससे अच्छा कर करके वो आगे निकलते हैं। साहब, उन्होंने अपनी तुलना एक इंटरव्यू में, या उन्होंने जन वैसी बात करते हुए अपनी तुलना राम से कर दी थी, जहां उन्होंने कहा कि राम को भी तो वनवास हो गया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा थी कि मुझे हटा दिया गया। अगर संगठन की बात करें तो संगठन में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आपको दायित्व था, आपको दायित्व से हटा दिया गया, या आपको बोला गया कि आप दूसरे दायित्व के लो, तो ये पीड़ा क्यों? संगठन है, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कोई पीड़ा व्यक्त करके ये बात कही है, वो इस बात को समझाने की, भाई आप हर एक को समझाने का अपना तरीका होता है, उन्होंने समझा कोई पीड़ा व्यक्त की, ऐसा नहीं है। आपने प्रश्न ऐसा पूछा, उस प्रश्न का जवाब देने का उनका तरीका है जी। सर, हर टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं, एक वादे आते हैं सरकारों की तरफ से कि हम ये 5 सालों में करने वाले हैं। जो भी वादे हुए, 50% भी अभी तक भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर पूरे नहीं किए, जैसे बेरोजगारी, अच्छा स्वास्थ्य, 50% भी नहीं हो पाए। अगर आप अपना खुद देखें, ऐसा नहीं है, 50% की बात नहीं, लगभग हम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरह से घोषणा पत्र में जो बातें की थी, अधिकांश बातों पर सरकार ने काम पूरे किए या काम चल रहे। जहाँ तक आपने बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपने कोई बात कही और आपको लाइट अच्छी नहीं लग रही, आपने प्लग दबाया और लाइट बंद हो गई, तो बेरोजगारी एक इशू है। और एक तरह से आज की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं ये कहूँ कि ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल स्तर पर, विशेषकर कोरोना इस पेंडेमिक के दौर में तो ये पूरी व्यापक हुई है। हाँ, उस पर
पर्याप्त काम करने की भी जरूरत है, उस पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है जी। और जहाँ तक आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सेक्टर में तो मैं कहूँ जितना बीजेपी ने किया उतना किसी ने किया ही नहीं जी। आप उत्तराखंड की केवल बात 50% में मैंने गिना है, उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे इतने साल यानी केंद्र की सरकार होने के बाद, और प्रदेश में भी कांग्रेस लगभग आदित्य तो कांग्रेस भी रही है जी, तो एम्स देने की बात हो तो से लेकर के, और आज का अगर हम पेंडेमिक लेते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कोरोना का काल, और कोरोना कालखंड की भी बात लें, अगर हमने 2017 से पहले उसमें सभी जी 17 से पहले की हेल्थ का स्ट्रक्चर अगर हम उत्तराखंड का देखते हैं और उसके बाद का देखते हैं जी, और विशेषकर इस एक साल के बीच का देखते हैं, तो कितना बड़ा गैप, चाहे आपके डॉक्टर्स की नियुक्ति के मामले में है, चाहे आप नर्सेज हैं, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, या ऑक्सीजन की बात हो, या वेंटिलेटर्स की बात हो, इन सारी चीज़ों में यानी बहुत बड़ा काम हुआ है। ये बात ठीक है कि इतनी बड़ी महामारी, कोरोना भी बड़ा हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल कोरोना भी, ऐसे स्टेटमेंट हुए हैं प्रेजेंट मुख्यमंत्री की, आप कुंभ आइए नहाइए और आपको कुंभ नहाने से कोरोना नहीं होगा, और उत्तराखंड आज भारत के उसमें नक्शे में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गया था, कि जो व्यवस्थाएँ जहाँ सड़क नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ कोरोना है आज की डेट में, और उनकी जाँच भी नहीं हो पा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे हमारी सरकारों द्वारा या हमारे सरकार के नुमाइंदों द्वारा जो बयानबाजी होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। जहाँ तक आपका कहना है कि कुंभ के कारण कोरोना हुआ, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता जी। कुंभ कोरोना का कारण नहीं है जी, और जब कुंभ था, अब चलो कुंभ तो यहाँ उत्तराखंड में कुंभ है, केरल में क्या था, तमिलनाडु में क्या था, महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा अभी भी है वहाँ तो कुंभ नहीं था जी। ये कुंभ, ये केवल इस बात को कह देना कि कुंभ के कारण हुआ और कुंभ में उन्होंने कहा, ये इसको मैं बिल्कुल मानता नहीं। और मैंने बात के देखा है, एक दो मीडिया चैनल्स ने, विशेषकर अच्छे देश के मीडिया चैनल्स ने उस दौरान कुंभ के समय के दौरान मोबाइल टावर्स की लोकेशन देख करके उन्होंने आकलन लगाया कि कितनी संख्या कुंभ में संख्या जी, तो ये नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई ये पेंडेमिक के समय पर आज उत्तराखंड में भी, क्योंकि देश में भी अनेक स्थानों पर वहाँ भी केसेस बढ़े, उत्तराखंड में भी केस बढ़े, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से, प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और तीव्रता के कारण आज हम काफ़ी हमने उसमें कंट्रोल किया है जी, और जल्दी हम उससे बाहर आ जाएंगे जी। अब सब एक सवाल जो है हर उत्तराखंड वासी के मन में है, पलायन, पलायन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी दिन से चली आ रही समस्या है, और वो केवल मैंने पहले कहा कि इतना बेरोजगारी इससे जुड़ रही है। हाँ बिल्कुल, इतना ये नहीं है कि भाई कोई एक पार्टी, कोई एक 5 साल की सत्ता उसको पूरा कर लेगी, ऐसा नहीं है। उसमें अभी इस सरकार ने एक आयोग बनाया है, जिस आयोग के माध्यम से कैसे हम यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, स्थानीय लोगों को अपने जो स्थानीय हमारी जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को जो आज हमको कमजोरियाँ दिखती हैं, कई बार हमको जो आज लगता है कि हमारे लिए जिसको कि भाई परेशानी दिखती है, उस कमजोरी और परेशानी ये हमारी ताकत में कैसे बदले। सर, योजनाएं तो बहुत हैं आपके पास, योजनाएं तो बहुत हैं और इस पर बनाई भी हैं आप लोगों ने, कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि प्रचार प्रसार की कहीं ना कहीं कमी है जिससे योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? हाँ, प्रचार की कमी और थोड़ा आम जन में या नौजवान में आत्मविश्वास जी, वो आत्मविश्वास कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं, और उसका व्यापक प्रचार करके पलायन को भी रोका जा सकता है। और ये जो हमारी पूरे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी विरासत है जी, हमारी विरासत, हमारी जंगल जमीन, हमारा पर्यावरण, हमारा आध्यात्म जी, हमारा प्राकृतिक वातावरण, ये हमारी, इसको हम ताकत के रूप में इस्तेमाल करते हुए, इसको अपनी ताकत बनाते हुए हम दुनिया को आकर्षित करने वाला स्टेट
दुनिया को हम आकर्षित कर सकते हैं, अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति, अपना अध्यात्म, इसके आधार पर हम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस ओर प्रयास हो रहे और प्रयास करने की ज़रूरत है। हम इस पर प्रयास करके इस समस्या का भी समाधान जरूर निकालेंगे। सर, इसमें कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना। और भाजपा का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा नाराज मिलता है, उनका ये कहना रहता है कि हमारी पार्टी आती है और हमारा ही ध्यान नहीं रखती है। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे यानी केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता। आज तो हम सत्ताओं में, और उनको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए ना। आज तो सत्ता है, इसलिए वो शायद अपेक्षा कर रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ ना, जब सत्ताएं नहीं थी जी, हम तो लगातार उस समय भी कार्यकर्ता खड़ा था। किस लिए खड़ा था? केवल विचार को लेकर, और वो विचार था देश का विचार, राष्ट्र का विचार, कि देश आगे बढ़ना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। इस विचार को लेकर ही कार्यकर्ता ने काम किया है। हाँ, ये ठीक है, जब हम काम करते हैं स्थानीय लेवल पर हो सकता है कुछ समस्याएं ऐसी हों, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जी। वो तो आम जन की भी है, उस आम जन में कार्यकर्ता भी आता है। माना कोई आम जन की समस्या है, उस समस्या का में उस क्षेत्र का कार्यकर्ता भी आता है जी। तो भाई नहीं, वो कहीं ना कहीं पे उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप उत्तराखंड में, आप उत्तराखंड से हो, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, समस्या एक बहुत बड़ी है कि वो जहाँ वहाँ एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, हर आदमी हाई स्कूल इंटर मिलेगा, पर उनकी समस्या क्या है कि वो जब दिल्ली और इस तरह के बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं, वहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है दिल्ली के अंदर। पलायन के टाइम पर आपने देखी होगी कि कितने लोग वापस गए, पर उनको वापस रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनी कि किसी तरह से उनको 10-15 हज़ार रुपये महीने का किसी तरह से भी इंतज़ाम हो जाए तो शायद वो गांव वापस बस जाते हैं। इस पर आप लोगों ने कुछ काम किया है क्या? नहीं नहीं, अभी इस कोरोना महामारी के कारण जो लोग वापस गए जी, इसको लेकर के प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जी अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके तहत लोगों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराकर वो अपना वहाँ व्यवसाय करें। सब लोन पे बोलूंगा, लोन मिलना बहुत आसान नहीं है भाई। आखिर सरकारी सिस्टम में सिस्टम करेंगे? हाँ जी, मतलब आखिर आपको रोजगार करना है, स्वरोजगार करना है, पैसा चाहिए, पैसा बैंक की। वो विंडो जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं पे अभी भी कमी है। उसमें कोई अगर ऐसी कमी है या कोई दिक्कत है, उसको दूर किया जाए। सिस्टम तो वही बनाना पड़ेगा। जी जी जी, सिस्टम तो सिंगल विंडो सिस्टम, जो अब गुजरात मॉडल जो था वो कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, जिसके कारण भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है और लोग उस लाइन में खड़े होने से डरते हैं आज भी। हम लोगों ने कई लोगों के इंटरव्यू किए जिसमें उन्होंने अपनी योजना को बहुत बेनिफिट लिया है। बावजूद बहुत सारे लोगों से मेरा भी मिलना हुआ है जी, कई लोग इस ओर काम कर रहे हैं, लोगों ने काम किया, विशेषकर उत्तराखंड के अंदर होम स्टे वाली एक अच्छी जी 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 बहुत बढ़िया हुआ है, अच्छा काम उसमें हुआ है। लेकिन चूंकि होम स्टे बने, लेकिन चूंकि हमारा टूरिज्म और ये उस पर डिपेंड था, लेकिन पिछले एक साल में कोरोना के कारण ये पूरी इंडस्ट्री, एक तरह से होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इस पर बहुत बड़ा, वैसे तो सब जगह इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इस पर से पड़ा है जी। तो लेकिन एक उस ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, काफ़ी मात्रा में लोगों ने उस ओर इन्वेस्ट भी किया है जी, लोगों ने काम किया है। ऐसे ही अनेक प्रकार के छोटे छोटे प्रधान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत काम प्रारंभ हुए। साहब, हमने पूर्व मुख्यमंत्री साहब से एक सवाल पूछा था, उनका जवाब उनसे भी हमारे को बड़ा अजीब सा मिला, कोशिश करेंगे आपसे सही मिले। इतनी इंडस्ट्री उत्तराखंड में आई, रोजगार आया, आज वो वापस जा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम ये बोल के बच सकते हैं क्या? मैं, मेरा बहुत एकदम अध्ययन नहीं है कि कितनी वापस जा रही है जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री आई है तो वो वहाँ पर रुके, और उसको अगर कोई दिक्कत है यानी वापस तो तब जाएगी उसके कारण। उनका कहना है कि सब्सिडी नहीं है, अब ये नहीं है, तो वो वापस जा रहे हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? आप रोजगार लाते हो और उसके बाद बोलते हो कि हम क्या कर सकते हैं, वो शब्द आज तक क्वेश्चन मार्क की तरफ घूम रहा है। देखो, सरकार में अगर हम हैं तो हमको प्रयास करने पड़ेंगे जी, कि भाई उनकी कोई समस्या है तो उनका उनको समाधान करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आज इतनी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में जो इंडस्ट्री आई है, बहुत बड़ी मात्रा में आई है। आपने कुछ ध्यान दिलाया कि कुछ वापस जा रही है जी,
तो जरूर उस पर एक अध्ययन करके बाद में कोई हम जरूर उस पर विचार रखेंगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्री आई है और भी इंडस्ट्री आ सकती है क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, जिस प्रकार की वहाँ की स्थिति है और हमारे लोगों की मेहनत करने की आदत है जी, यानी हमारे यहाँ का व्यक्ति आकर के दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में आकर के वो रात दिन मेहनत करता है जी, यहाँ रह करके तो और अच्छा वो कर सकता है, पर कर सकता है जी, तो उसको ये सब उपलब्ध इंडस्ट्री को वहाँ पर आसानी से है और इस पर और हम प्रयास करेंगे। अब सब हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं, हम पिछले कोरोना काल में देना भी चाहिए, पर फ्री राशन की आदत कहीं ख़राब तो नहीं कर देगी? उत्तराखंड में जो लोग वापस गए उनको राशन फ्री मिल रहा था, वो काम ही नहीं करना चाहते अब? नहीं, लेकिन अब कम से कम जब तक कुछ काम उदाम कर सके तब तक तो उसको देना ही पड़ेगा। तो कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए तक तो कि जिससे कि वो फ्री राशन का उसका उपयोग कर सके जी। प्रधानमंत्री जी ने जी पिछले बार भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया जी, और उससे पहले लोगों को भाई ठीक है जाएंगे तो एकदम तो काम मिलेगा नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, मार्केट खुली होगी, बिजनेस खुला होगा, ट्रांसपोर्टेशन खुला होगा, इंडस्ट्री खुली होगी तो काम वही मिलेगा जी जी, वो भी सब बंद है जी, वो सब बंद है तो आखिर भोजन तो चाहिए ना जी, भोजन चाहिए, इसलिए सरकार ने उनको फ्री राशन की व्यवस्था की है जी, तो इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी उनको ये उनको स्थायी रोजगार मिले, इसके लिए हमको मालूम है कि पिछली बार मनरेगा का बजट बढ़ाया जी, मनरेगा क्योंकि तुरंत तात्कालिक गाँव में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसको मिल सकता है तो वो आज हमारे लिए एक माध्यम है मनरेगा जी, ऐसे मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय आधार पर रोजगार देने का काम किया जी, वो स्थायी नहीं है जी, लेकिन एक फेज है जी। सब 2022 बहुत नज़दीक है और आप में इसमें तैयारियां भी चल रही होंगी किस तरह से होगा, हम लोगों ने भी कुछ पॉइंट उठाए हैं, आप शायद उन पर भी काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है 2022 में हम लोग किस स्थिति में होंगे, भाजपा किस स्थिति में होगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा, यानी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते जी, हम मैंने कहा ना तब से हम जब हम लगातार हारते रहते थे तब भी हम चुनाव को उसी गंभीरता से लेते थे जी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां हम लोगों ने, आपको मालूम है कि पिछले वर्ष लगभग एक पाँच छः महीने पहले स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देहरादून जब गए थे तब से हमने एक तरह से उसकी प्रारंभ चुनाव की तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी थी। बीच का ये जरूर कोरोना का एक कालखंड ऐसा आया, जरूर उस समय सारा संगठन सारी सरकार ने मिलकर के कोरोना के खिलाफ लोगों की सेवा करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन नीचे तक होने के कारण, बूथ तक होने के कारण, लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी देने के कारण और इस कोरोना के कालखंड में भी पूरा संगठन नीचे तक एक्टिव हुआ, सेवा ही संगठन के माध्यम से जी, जहाँ भी जिस भी व्यक्ति को जो भी आवश्यकताएं थी, चाहे भोजन की आवश्यकता थी, चाहे दवा की आवश्यकता थी, चाहे और अन्य प्रकार की कोई भी उसकी आवश्यकता थी, उनकी उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संगठन के हर एक संगठन का हर एक कार्यकर्ता इस काम में लगा जी, तो संगठन लगातार एक्टिव है, संगठन चुनाव की तैयारी के लिए एक तरह से। तो अगला इलेक्शन किसकी, कौन मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री भी है ना हमारे, तो इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा भाई, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री चेहरा है ही ऑलरेडी, तो इन्हीं के चेहरे पे आप अगला इलेक्शन लड़, तो आप समझते हैं कि 5 साल का कार्यकाल एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, तो त्रिवेंद्र साहब को भी मिलना चाहिए था? हम तो मानते ही हैं कि भाई ये तो व्यवस्था ही है जी, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत राय क्या है कि वो गलत हुआ, उनको 5 साल मिलने चाहिए थे या ठीक हुआ है संगठन के द्वारा निर्णय ले लिया? ठीक है, संगठन ने जो निर्णय किया जी वो वही सर्वोपरि है, संगठन का निर्णय और उनका निर्णय वही हमारे लिए मान्य है जी। सर, संगठन का निर्णय मायने, आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं कि उनको हटा दिया गया तो भी ठीक, और 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था? नहीं, आदर्श व्यवस्था तो यही है जी, कि 5 साल के लिए जो किसी को हमने अगर चुना है बनाया है तो 5 साल उन्होंने काम करना चाहिए जी, ये आदर्श व्यवस्था है जी। सर, मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल, संगठन में आपकी जिम्मेदारियां किस तरह से रहेंगी? मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया है जी, प्रदेश का महामंत्री बना करके मुझे उत्तराखंड में भी भेजा है जी, तो महामंत्री के नाते
पार्टी का विस्तार करते हुए, पार्टी को मजबूत करते हुए, पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को लगाते हुए जी, आगामी 2022 के चुनाव में फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जी, ये दायित्व तो पार्टी ने मुझे दिया है जी, और उस काम को मैं बखूबी तो ग्राउंड रूट पे काम हो रहा है। बिल्कुल जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया, और हम अपेक्षा करते हैं और आपको पहले से बधाई देते हैं कि आपको सारे आपके कार्य सफल हों और आप इसी तरह से काम करते रहें और आप आराम ना करें, सिर्फ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं हरीश असवाल। आज जिस तरह से सुरेश भट्ट जी ने अपने सारे बेबाकी से जवाब दिए, हम उनका इसी तरह से आगे भी 2022 तक उनसे सवाल जवाब पूछते रहेंगे, जब जब हमें मौका मिलेगा। सरकारों के द्वारा क्वेश्चन आंसर हमारे चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।